हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अपने अपने घरों पर स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। फाइनली कल दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक वेबिनार कंडक्ट करवाया जिसका समरी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा, और साथ ही हम ये जानेंगे कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी पे फर्स्ट कट ऑफ के एडमिशन होने वाले हैं 12 अक्टूबर से, तो उसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, सो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है ताकि आपसे कोई भी चीज छूट ना जाए और आपका एडमिशन के जो चांसेस हैं वो बने रहें हमेशा की तरह। ठीक है, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरह की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कल एक वेबिनार कंडक्ट करवाया लाइव अपने FB पेज पे, जिसमें कि उन्होंने कुछ चीजें बताई जैसे कि एडमिशन प्रोसेस क्या है, क्योंकि मैंने आप सभी को ऑलरेडी बताया था कि एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन होने के ज्यादातर चांसेस हैं, तो अब वो कंफर्म कर दिया है DU ने कि ऑनलाइन ही होगा एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, फिर उन्होंने ये बताया कि आप TOP 4 कैसे कैलकुलेट करोगे, और उन्होंने ये बताया कि आप कोर्सेज कैसे सेलेक्ट करोगे, कॉलेजेस कैसे चूज करोगे, जब और कहाँ पे करना है आपको जाके, ये सारी चीजें। तो इन सब चीजों के रिगार्डिंग ये चीज सिंपल सी मैं आपको बता दूं कि एडमिशन ऑनलाइन होगा। पहली चीज, जैसे कि हमने रजिस्ट्रेशन किया था ऑनलाइन, वैसे ही एडमिशन भी ऑनलाइन होगा। ठीक है, दूसरी चीज, कट ऑफ आ जाने के चांसेस हैं। शनिवार, सैटरडे आज है, शनिवार को आ सकती है, नहीं तो कल रविवार यानी कि संडे को आएगी, और उसके बेसिस पे एडमिशन सोमवार से होंगे मंडे से। ठीक है, तो एडमिशन कट ऑफ आ गई, आपने चेक कर लिया आपके TOP 4 के अकॉर्डिंग कि आपका कौन से कॉलेजेस में कट ऑफ आ रहा है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, आपको जाना है DU के वेबसाइट पे www.du.ac.in पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। वहां पे जाने के बाद आपको लॉग इन करना है, जो आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी है उस आईडी से लॉग इन करके आपको अपने डैशबोर्ड पे जाना है। डैशबोर्ड पर जाने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा, आप जैसे ही अपने TOP 4 मार्क्स उसमें इंसर्ट करोगे तो वो आपको, और कॉलेज चूज करोगे, जैसे ही आप कॉलेज चूज करोगे कि जिस भी कॉलेज की कट ऑफ आपने पहले देख ली उसके अकॉर्डिंग आप उसमें अपने कॉलेज का नाम डालोगे कि जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है उसमें आप अपना नाम डालोगे कॉलेज का। उसके बाद लिस्ट खुलेगी कि किस किस कोर्स में आप एलिजिबल हो। ठीक है, तो वो चीज आपको वहां से पता चलेगी डैशबोर्ड पर जाने के बाद। ठीक है, आपने TOP 4 मार्क्स डाल दिए, और अगर आपको नहीं भी पता है कि TOP 4 मार्क्स आपके कैलकुलेट हैं, अगर आपके में कंफ्यूजन है कि मेरे क्या मैं ये वाला सब्जेक्ट ऐड कर सकता हूँ, क्या दूसरा सब्जेक्ट ऐड कर सकता हूँ, तो वो चीज का भी डाउट क्लियर करने के लिए DU ने इसके लिए भी एक पोर्टल बना रखा है। उसी में ही मिलेगा आपको एक लिंक, आप उसमें जाके इजीली वहां से अपने TOP 4 मार्क्स भी कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि वहां पे उन्होंने कैलकुलेटर भी दे रखा है आपको। ठीक है, आप जैसे ही अपने सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स वहां डालोगे तो TOP 4 मार्क्स आपके आ जाएंगे। लेकिन ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि TOP 4 और TOP 3 में क्या डिफरेंस है। तो TOP 4 उन कोर्सेज के लिए है जैसे आर्ट्स, कॉमर्स, इन और BSc के कुछ कोर्सेज के लिए। BSc के कुछ कोर्सेज ऐसे भी हैं जिनमें TOP 3 के सब्जेक्ट्स काउंट किए जाते हैं, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है बस। ठीक है, फिर आप डैशबोर्ड पे जब चले जाएंगे आपको उस कॉलेज के लिंक पे जाना है, आपके डैशबोर्ड में दिखेगा जब आप अप्लाई करेंगे, तो वहां पे आपको डैशबोर्ड में लिंक पे क्लिक करके आप उस कॉलेज की वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, और आपको वहां पे अपने डिटेल्स फिल करनी है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने ऑलरेडी बता दिए थे कि क्या क्या चीजें आपके पास स्कैंड कॉपी होनी चाहिए ऑलरेडी, अभी लास्ट वीडियो मैंने उसी के ऊपर बना के आपको बताया था, तो आई होप आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में ऊपर लिंक है, आप जाके वहां से जरूर देखें उसको, अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको रेडी करके रखें कट ऑफ आने से पहले। ठीक है, तो उन कट ऑफ जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनको वहां पे अपलोड करेंगे, अपनी जो डिटेल्स हैं वो फिल करेंगे। डिटेल्स फिल करने के बाद फिर आपको एडमिशन कंफर्म करना होगा। एडमिशन कंफर्म करने के बाद जब आपको एक पेमेंट का लिंक मिलेगा, पेमेंट पे लिंक पे जाके आपको पेमेंट करनी होगी लिंक, और जो पेमेंट कर सकते हो वो जैसे कट ऑफ की जो डेट है एडमिशन होने की वो 12 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक है। ठीक है, लेकिन आप 14 अक्टूबर तक लास्ट डेट है एडमिशन लेने की, पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो है 16 अक्टूबर। तो ये चीज आप ध्यान रखें कि आप आराम से 16 अक्टूबर तक भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन एडमिशन कंफर्म कर लें, सीट रिजर्व कर लें पहली चीज, और आपके पास चांसेस रहेंगे कि आप पहली कट ऑफ पे एडमिशन जिन्होंने लिया है वो दूसरी कट ऑफ में भी ले सकें, तीसरी कट ऑफ में भी ले सकेंगे। ठीक है, तो इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आपका जिस भी कॉलेज में एडमिशन हो रहा है पहले सीट रिजर्व जरूर कर लें, और ज्यादा से ज्यादा चांसेस ये मतलब जो चूज ये करें कॉलेजेस जिनका नॉर्थ कैंपस में होना लोकेशन हो। ठीक है, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करें, और ऐसा नहीं है कि जो आउट ऑफ कैंपस के कॉलेजेस हैं वो अच्छे नहीं है,
बट कोशिश करें, क्योंकि एक लाइफ होती है अच्छी लाइफ, अच्छा एनवायरनमेंट, वो वहां पे क्या है कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं नॉर्थ कैंपस में, तो वो एनवायरनमेंट एक अलग टाइप का है, और आउट ऑफ कैंपस में क्या है कि आपका कॉलेज है, उसके बाहर का क्राउड जो रेजिडेंशियल इलाका है, ऐसे टाइप का होता है, ठीक है? तो वो चीज आप बस देखें, बाकी रिलैक्स रहें, ज्यादा कुछ बड़ी चीज नहीं है, आप इजीली एडमिशन ले लोगे, और ज्यादा होपलेस होने की जरूरत नहीं है कि कैसे अप्लाई करूंगा, कैसे करूंगा, ठीक है? तो जैसे ही कट ऑफ आएगी आप सभी को अपडेट मिल जाएगा, आप हमें फॉलो करते रहे इंस्टाग्राम पे जाके, वहां पे भी मिल जाएगा, और आपको कम्युनिटी टैब पे मैं अपडेट दे दूंगा, तो कम्युनिटी टैब को भी देखते रहेंगे आप एक बार, तो इजीली आप अपडेटेड रहेंगे, ठीक है? ये चीज आप ध्यान रखें, फिर कॉलेजेस चूज करने के बाद पेमेंट कर देना आप ध्यान से 16 अक्टूबर से पहले, अदरवाइज आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिक अगर आपने पेमेंट नहीं की होगी तो, ये चीज ध्यान रखना, और ऑल द बेस्ट। ये समरी थी वेबिनार की, उस वेबिनार में यही बताया गया सारी चीजें जो बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की, आई होप आपको समझ भी आया होगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और आशा करता हूं आप सभी की हेल्प हुई होगी, इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।